सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप अपने फ़ोन में इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं, और वो जो इक्वलाइज़र होगा वो एकदम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये जो ऐप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बस आपके म्यूज़िक का ही नहीं, मतलब जो फ़ोन का जो मेन म्यूज़िक ऐप है उसका ही नहीं, आप यूट्यूब का भी इक्वलाइज़र चेंज कर सकते हैं। जो साउंड का जो मतलब फ्रीक्वेंसी और जो बेस है वो आप चेंज कर पाओगे यूट्यूब वीडियो के भी। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में एक ऐप आपको सर्च करना है। ऐप का नाम है साउंड इक्वलाइज़र, आप इस नाम से सर्च कर लीजिए। और मैंने जो ऐप दिखाया है, जो आइकॉन है, उसी में आपको क्लिक करना है। और हाँ दोस्तों, और अगर आपको ये जो ऐप है वो ढूंढने में परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और आप जाके इसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करना है। और ओपन जब भी आप करोगे तो मैं आपको दोस्तों इस ऐप के क्यों मैंने चूज़ किया है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए। वो ऐप को ओपन करने के बाद जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ऑन है, ये पहले आपको ऑफ मिलेगा, तो इसको आपको ऑन करना है। और जो बेस इफ़ेक्ट है और 3D इफ़ेक्ट है ये दोनों भी ऑफ होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको ऑन करना है। और नीचे जो आपको 5 बार दिखाई दे रहा है उनको आप ऊपर और नीचे करके आप साउंड का जो इफ़ेक्ट है वो चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक सॉन्ग चला कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देखना मैं कैसे ये जो साउंड का जो लेवल है, जो क्वालिटी है और जो इसका बेस है वो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह आपके जो म्यूज़िक है या फिर जो आप गाना सुनते हैं वो भी आप ऐसे चेंज कर पाओगे। हाँ, हालांकि आपको जो म्यूज़िक अभी जो सुनाई दे रहा है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आवाज़ आ रहा है वो मेरे स्पीकर से ही, मेरे जो माइक्रोफोन है उसमें ही जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ सकते। लेकिन जो आप इस ऐप को जो जब आप अपने खुद के फ़ोन में इंस्टॉल करके आप सुनोगे तभी आपको मालूम चल जाएगा। अभी दोस्तों, थोड़ा सा और कुछ अगर फीचर है तो मैं आपको बता दूं, इस ऐप का जो ये जो फीचर है, इसके अलावा एक और आपको फीचर मिलता है कि इसका को थीम मिलता है, आप अपने हिसाब से आपका जो मूड है उसके हिसाब से आप इसका जो कलर है वो चेंज कर पाएंगे। बस इतना ही, ये दोनों ही इस ऐप का फीचर है। बहुत ही लाइट वेट ऐप है, अगर आपका फ़ोन के अंदर बस 1 GB रैम है, हालांकि अभी तो 1 GB वाला फ़ोन मार्केट से मतलब है ही नहीं, फिर भी अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो आप उसको ऐप फ़ोन में भी ये जो ऐप है इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर पाएंगे। और इसका जो टोटल मेमोरी है वो बहुत ही कम है दोस्तों, ये बस 12 MB के आपको जो साइज़ का पड़ता है। और हाँ दोस्तों, इस ऐप में जो परमिशन है, आप सोचे थर्ड पार्टी ऐप है तो ये कोई आपका जो डेटा लीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ऐप है कोई परमिशन ही नहीं मांगता है आपसे, ये इसलिए मैं आपको ये ऐप रिकमेंड किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा ही एक इक्वलाइज़र का ऐप ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, तो ज़रूर से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्त को हेल्प करें। और ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस कीजिए और उसके बगल में ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे थे अभी तक हमारा एवर टेक्नोलॉजी का वीडियो, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।